नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो इस्पात संयंत्र में नियोजन की मांग को लेकर बोकारो मृत आश्रित संघ ने शनिवार 6 जून को थाली बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। बताते चले कि विगत कई वर्षों से बोकारो इस्पात संयंत्र में नियोजन की मांग को लेकर मृत आश्रित संघ के द्वारा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आश्रितों का कहना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में हमारे पिता ने खून पसीना बहाया है और यही काम करते हुए अपनी जान गंवा दी, जिसमें प्रावधान के अनुसार आश्रितों को नियोजन दिया जाना है। बार बार सेल प्रबंधन से वार्ता होती है और आश्वासन दिया जाता है, मगर अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। आश्रितों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग के कार्यकारी निदेशक से वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले सकारात्मक पहल की जाएगी, मगर अभी तक अंधेरे में रखा जा रहा है, इसलिए बर्तन बजाकर मृत आश्रित संघ प्रबंधन को जगाने का काम कर रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के बने तले यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पिता यही काम करते थे, हमारे पिता की मृत्यु हो गई और एक एक्ट के तहत इनको नौकरी भी देना था, लेकिन ये बहरी प्रबंधन है जो हमको आज तक नौकरी नहीं दी। अभी बीते कुछ दिन पहले हमारी एक समझौता हुई थी इनसे EDPND मुकुल प्रसाद की अगुवाई में, लेकिन आज की स्थिति में उन्होंने कहा था लॉकडाउन से पहले एक महीना के अंदर आपको तुरंत से तुरंत ये प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन ये EDPND आज हमारे संयुक्त मोर्चा जो यूनियन है उनसे भी बात नहीं करना चाहते हैं। ये लोग तानाशाह का रवैया अपनाए हुए हैं। आने वाले दिन में अगर हमको जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट करते हैं तो हमारे शरीर में अगर एक बूंद भी खून रहेगा तो भी हम यहाँ पे लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने नियोजन मांगते रहेंगे। आज थाली चम्मच लेकर बजा करके आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते थाली चम्मच? आज थाली चम्मच हम लोग इसलिए नहीं लिया, रोज हम लोग चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ रहे हैं, लेकिन ये जो बहरी प्रबंधन है, ये जो बहरे EDPND साहब है, ये सुनते ही नहीं है। आज इसीलिए हम लोगों ने अपनी पेट की भूख के लिए और उनको सुनाने के लिए आज हम लोगों ने ये ताली थाली का कार्यक्रम किया। कितने आप लोग आश्रित हैं टोटल? हम लोग अपने टोटल 500 आश्रित हैं। अगर कुछ दिनों में हमारी ये बात प्रबंधन से नहीं कराते हैं तो यहाँ पे ऐसा जलजला आएगा कि इनको सोचना पड़ेगा, और उसकी पूरी जिम्मेवारी EDPND मुकुल प्रसाद साहब की होगी।